माननीय सदस्य श्री निशिकांत दुबे जी। हाँ जी, थैंक यू सर। कोई धन्यवाद सभापति महोदया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री के इतने ऐतिहासिक बजट के धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करने के लिए खड़ा हूँ। आज 6 अगस्त है। स्पीकर साहब ने हिरोशिमा और नागासाकी के शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दी, और दूसरी श्रद्धांजलि मैडम सुषमा स्वराज जी को है, जिनकी आज पुण्यतिथि। और जब मैं पहली बार यहाँ सांसद बनकर आया तो लीडर ऑफ द अपोजिशन के नाते उन्होंने हमारे जैसे लोगों को बढ़ाने का काम किया, और उसी कारण से आज मैं पार्टी के आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री जी के कारण इस फाइनेंस बिल पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ। मैं सोचता था कि कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन या जो वक्तव्य देने वाले हैं वो फाइनेंस बिल पर चर्चा करेंगे, वो देश के स्थितियों के बारे में बताएंगे, हमारी सरकार ने क्या बुरा किया इसके बारे में बताएंगे। लेकिन कांग्रेस जो एक कंफ्यूज पार्टी है, उस कंफ्यूज पार्टी की तरह ही कंफ्यूज स्पीकर रहे। फाइनली उनका समय जो है कांग्रेस पार्टी को कट करना पड़ा, अब दूसरे स्पीकर बोलने के लिए खड़े हुए। आज स्थितियां क्या मैं देख पा रहा था, मैं सभापति महोदया मैं डिरेल नहीं होना चाहता, आज स्थिति क्या है पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया की स्थिति क्या है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी यदि वर्ल्ड बैंक की, IMF की, फोर्ब्स की, अमेरिका की, जिनकी नीतियों से कांग्रेस बहुत प्रभावित रही है, यदि उनके रिपोर्ट को देखें तो पूरी दुनिया में 2.5% से लेकर 2.7% ही GDP बढ़ रहा है, पूरी दुनिया करा रही है। आप लंदन जाइए, आप न्यूयॉर्क जाइए, आप वाशिंगटन जाइए, आप पूरे यूरोप जाइए, सारे दुकान बंद होते हुए नजर आएंगे। बेरोजगारी की भयंकर सीमा है, इन्फ्लेशन का रेट यदि आप कहेंगे कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां की 8% से कम इन्फ्लेशन है। पूरी स्थिति खराब है, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट का हो, चाहे GDP ग्रोथ का हो, फिस्कल डेफिसिट का हो, जिस भी पैमाने पर आप पूरी दुनिया को आंकने का काम करेंगे आपको लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी की नीतियां इस देश के लिए इतनी सक्सेसफुल हैं कि आज भी भारत आशा की किरण है पूरी दुनिया में, 7% से ऊपर GDP इसका ग्रोथ है। हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभापति महोदया जावेद साहब बोल रहे हैं, और जो धर्म कहता है उसी के आधार पर हम चलते हैं। हमारे धर्म में एक बड़ी अच्छा जो है श्लोक है कि कलातीत कल्याण कल्पांत कारी सदा सच्चिदानंद राता पुरारी। भगवान जो है वो सभी कालों में, सभी भगवान में, सभी गरीबों में एक ऐसी ऊर्जा का संचरण करते हैं जिसके कारण कि दुनिया में गरीब कैसे खत्म होंगे, भारत में गरीब कैसे खत्म होंगे, उनको अमीर कैसे बनाया जाएगा, इसी पॉलिसी के आधार पर भारत सरकार चलती है, इसी पॉलिसी के आधार पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। किसान बिल की बात हो रही है और उस दिन मैंने बजट पर माननीय LOP जिनको मैंने सोचा कि क्या संबोधन दिया जाए, जो जवान होता है, जवान में जो लिखाया पढ़ाया जाता है वही उसको बोलना है, और इस बजट पर चर्चा करते करते ये अमर सिंह साहब भी वही चर्चा कर गए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, आप उसमें पढ़ना नहीं। सर नहीं, अगर कोई माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, कोई अगर ऐसा शब्द आया है तो उसे पटल से हटा दिया जाए। अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य से हटा दिया। अध्यक्ष महोदया, ये सुग्गे की जवान कैसे है, मैं ये बता रहा हूँ। आज जो है प्लीज बैठे, प्लीज हम क्या कर रहे हैं,
हम भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। और आप भी सुनिए, कोई भी सदस्य जब बोल रहा हो तो प्लीज बैठे बैठे कमेंट्स भी मत करिए, प्लीज बोलिए। वो जो भी शब्द आया है पटल में नहीं आएगा। विकसित भारत बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, और उसके लिए इस बजट में जो सबसे बड़ा प्रपोजल है कि जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, FDI में जो कॉरपोरेट आते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमी में जा रहे हैं, R&D में जा रहे हैं, नए नए इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो वो यदि कंपनियां हमारे यहाँ यदि इन्वेस्ट करना चाहेंगी तो उनके टैक्स को हमने जो है कम किया। और कम क्यों किया? क्योंकि हमारा मुकाबला सिंगापुर से है, हमारा मुकाबला अबू धाबी, UAE इनसे है, जहां की टैक्स की जो स्थिति है, कॉरपोरेट टैक्स की स्थिति ऐसी है कि वो 20-22% से ज्यादा नहीं, कई एक जगह तो टैक्स ही नहीं। और उस इंडस्ट्री को जब बैठना है, जब बैठकर आएंगे, इंडस्ट्री आएगी तो यहां के बच्चों को रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, मेक इन इंडिया में जाएगा। और जो 2047 का एक संकल्प है कि हमको एक विकसित भारत बनाना है, जो 2027 का एक संकल्प है, जो रिपोर्ट करती है, फोर्ब्स की रिपोर्ट करती है कि 2027 तक ऐसा संभव है, जो भारत जिस इकोनॉमी के साथ बढ़ रहा है, हम तीसरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे, उसमें जो ये राइडर है, जिस पद पर सभापति महोदया, उन्होंने बोलते हुए किस तरह से अराजकता फैलाने का काम किया, ये मैं आपको बताऊंगा। वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो महाभारत को गलत कोट करते हैं, वो रामायण को गलत कोट करते हैं, वो शिव को गलत कोट करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं, ये मैं बोल रहा हूं, मतलब आप ये समझिए, और वो ये कहते हैं कि हम जो है अराजकता फैलाएंगे, तुमको जो करना है करो। मैं अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने जो उस दिन बात कही, मैं उससे कंप्लीट सहमत नहीं हूं। मैं अनुराग सिंह ठाकुर जी की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं इस सदन में। लेकिन क्यों? इसीलिए कि अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया, जाति, तो जाति है ही नहीं ना। आप ये समझें कि वो कहते हैं कि जो मैं हूं वो दिखता नहीं, मैं जो दिखता हूं वो मैं नहीं, तो वो साधु है। और इस देश में कहा गया है कि जात ना पूछो साधु की, साधु का जाति नहीं पूछना है। और जब साधु का जात नहीं पूछना है तो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने गलती कर दी कि उनसे जात पूछ लिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी और सारे अपोजिशन से जवाब पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि इस देश में कई एक ऐसे लोग हैं जिनको की धर्म में आस्था नहीं, कई एक ऐसे लोग हैं जिनको जाति में आस्था नहीं है, वो अपना किस तरह से जातिगत जनगणना करेंगे? जिस पद पर राम सुभग सिंह, चरण सिंह, जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह के बड़े बड़े लोग रहे, जिस जगह पर शरद पवार जैसे लोग रहे, YB चौहान जैसे लोग रहे, उस जगह की गरिमा का क्या हरासमेंट कर रहे हैं इस बजट में अराजकता फैला के, इस बजट का नकारात्मक पहलू दिखा करके? आप जातिगत जनगणना की बात करते, इसी बजट में जाता है, यही टैक्स है, इसी टैक्स के आधार पर जाता है। और मैं स्पीकर महोदया, अध्यक्ष महोदया, आज मैं बहुत कुछ चीज लेकर आया हूं। मैं 1952 से लेकर 1990 तक का कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं। आप यदि कहेंगे तो मैं ले कर दूंगा 1952, क्योंकि उस दिन जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि नेहरू ने यह कह दिया, राजीव गांधी ने आलोक मेहता को यह इंटरव्यू दे दिया, तो ये तो इंडिविजुअल कह सकते हैं कि राजीव गांधी का वो अलग से विषय था, राजीव गांधी का पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, या नेहरू जी का पार्टी से लेना देना नहीं था। लेकिन जो कांग्रेस मैनिफेस्टो, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि कई एक चीजें हमने कांग्रेस के न्यायपत्र से लिया, तो कांग्रेस के न्यायपत्र से लिया, तो ये पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो है 1952 से लेके 1990 तक पूरा असेसमेंट किया, इसमें आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदया कि पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में 52 में, 57 में, 62 में, 71 में, 77 में, 80 में, 84 में, 89 में और 91 में, ये सभी मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा कि हम OBC रिजर्वेशन के खिलाफ,
आप ओबीसी की बात करते हो, मध्य प्रदेश में आज तक, मध्य प्रदेश में आज तक कांग्रेस ने एक ओबीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आज तक ओबीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, बिहार में दरोगा राय जी को छोड़कर किसी एक को ओबीसी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। और जब जब ओबीसी की बात आई, यदि दरोगा राय ने रिजर्वेशन दिया तो उसको आपने अलग किया, 77 में जब चरण सिंह रिजर्वेशन देना चाहते थे आपने उसकी सरकार गिरा दी, आपने 89 में बीपी सिंह की सरकार गिरा के चंद्रशेखर का आपने सरकार बना दिया। और जब गुजराल साहब ओबीसी जनगणना कराना चाहते थे तो आपने 97 में उसकी सरकार गिरा दी। आप इस पर खेल रहे हो, आज इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, चाय वाला है, बैकवर्ड है। और यदि वो ओबीसी सुरक्षा की बात करता है और जिस दिन वो एक बार ओबीसी सरकार की बात करता है तो आप ओबीसी ओबीसी करते हो। इसीलिए कांग्रेस का कोई मुंह नहीं है ओबीसी के बारे में। और प्रधानमंत्री जी ने जो एजेंडा सेट किया, कृष्ण की तरह चारों तरफ आप बिलबिला रहे हो, और सारी ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी कौरव की तरह प्रधानमंत्री के एजेंडे पर ओबीसी ओबीसी चिल्ला रही है। और ओबीसी का कोई कल्याण यदि होगा, यदि आप में ताकत है, तो 2011 में ओबीसी रिजर्वेशन जो कराया वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पाया? यदि आप में ताकत है तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, पिछले 2 साल से सरकार है, वहां सोशियो इकोनॉमिक रिजर्वेशन हो गया है, उसको क्यों इंप्लीमेंट करवाया? इसलिए नहीं करवाया कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दो ऐसे धर्म हैं जो जाति की बात नहीं करते हैं, और उसमें 86 जाति क्रिश्चियन की और 56 जाति मुसलमान की, उसको ओबीसी बैक दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से आप मुसलमान और क्रिश्चियन को रिजर्वेशन देना चाहते हो ओबीसी में, इसीलिए आपकी हैसियत नहीं है और इसीलिए आप जातिगत जनगणना की बात करती हो। यदि हिम्मत है, कांग्रेस को, राहुल गांधी को, तो कर्नाटक में वो ओबीसी रिजर्वेशन करके दिखाए तो मैं मानू कि इस हाउस में जो आप बात करते हो उस हाउस की बात करते हो। मैं कांग्रेस का बहुत सम्मान करता हूं, गांधी फैमिली का है भी सर। यदि मान लीजिए कि भारत का बंटवारा हो गया, नेहरू जी की देन है। तिब्बत से यदि हम जूझ रहे हैं, नेहरू जी की देन है। यदि चाइना हमारे पास आ गया, नेहरू जी की देन है। आप ये समझिए, एस्मा यदि आ गया 68 में, यदि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सरकारी अधिकारी आंदोलन करना चाहते थे तो इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट जो है आपने ले आया, इमरजेंसी आप लेके आए, ऑपरेशन ब्लू स्टार आप लेके चले आए, श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स आपने भेज दिया, 2G 4G 3G सब आपने कर दिया। इसीलिए मैं आपके गांधी फैमिली का बड़ा सम्मान करता हूँ। इसीलिए बजट में आपने जो बोला वो मेरे लिए बड़ा अच्छा है। दूसरा सवाल ये है सर, इस बजट में, सभापति महोदया, इस बजट में एक एंजल टैक्स जो है, हमने एंजल टैक्स खत्म किया 56(2). सभापति महोदया, ये सभापति महोदया, 2012 में एंजल टैक्स लगाया 56(2) 2012 में, और उसका कारण था कि आप समझें कि वित्त मंत्री के ऑफिस और घर में बगिंग हो रहा था, वित्त मंत्री के ऑफिस में माने नहीं सकते बजट पर चर्चा। और इस चक्कर में, ज्यादा बढ़िया बनने के चक्कर में, जितना बढ़िया बनने के चक्कर में उन्होंने एंजल टैक्स लगा दिया। एंजल टैक्स क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी स्टैंडअप की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, और माननीय तोता जो है, तोता महाराज, मतलब लिप्स ऑफ पैरट, नाम नहीं लूंगा सभापति मोदिया क्योंकि ये गुस्सा जाएंगे, तो ये जो है कि युवाओं को आज तक,
क्योंकि इस पैसे का हमने देखा कि कहां से बजट आता है, कॉरपोरेशन का कितना टैक्स आता है, इनकम टैक्स कितना आता है, जीएसटी कितना आता है, हमारी देनदारी क्या है, उधार क्या है, यह पूरा फाइनेंस बिल का टैक्स स्ट्रक्चर है। और उसमें 8% के आसपास ऐसा पैसा है जो डिफेंस को जाता है। आज तक डिफेंस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा इस हाउस में नहीं हुई कि हम इस टैक्स से सेस लेते हैं, सरचार्ज लेते हैं तो डिफेंस में पैसा देते हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं सारे ऑपोजिशन के लोग अग्निवीर स्कीम के ऊपर जो है लगातार बजट में बोलते रहे। और चूंकि ये एंजल टैक्स लगाया है, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको रोजगार के लिए दिया जाए और उसको एबॉलिश किया है, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लड़के जो है वो रोजगार में आएंगे। लेकिन मैं इसके तह पर गया तो मैं आपको बताऊं, कोई नई बात नहीं है। सभापति महोदया, 1962 में जब चीन ने भारत को हरा दिया और लगा कि फोर्स की कमी है, तो भारत में 1962-63 में नेहरू जी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन लाया। ऐसा नहीं है कि केवल फौज के लिए जो है अभी 5 साल का अग्निवीर स्कीम आया है, इसके पहले भी इस देश में 1962 में शॉर्ट सर्विस कमीशन आ गया। और शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में मैंने सारे डिबेट पार्लियामेंट के लोकसभा, आपको मैं बताऊं कि जो अफसर ज्वाइन करते हैं उनकी नौकरी 5 साल से 10 साल होती है और अब वो 14 साल हो गई है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लोकसभा या राज्यसभा में या सदन के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं किया कि यह शॉर्ट सर्विस कमीशन क्यों होगा। सर्विस तो एक ही है ना। आर्मी में भी जो अफसर के ग्रेड के लोग हैं, एक ग्रेड ऐसा है जो परमानेंट चलता है, दूसरा ग्रेड ऐसा है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 साल के लिए चलता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन आज हो रहा है। और आज हो रहा है क्यों, करे कोई भरे कोई। मैं आपको बताऊं कि मैं ये 1992-93 का 92-93 का कमिटी ऑफ एस्टिमेट का रिपोर्ट लेकर आया हूं। यहां रिपोर्टें आती हैं, बनती हैं, चली जाती हैं। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि 1966, ये पूरे सदन और पूरे देश को जानने वाली बात है, रिपोर्ट से लेकर आया हूं मैं, कोई भारत सरकार का कोई कागज लेकर नहीं आया। 1966 में इंदिरा जी आर्मी के रिक्रूटमेंट पर सीलिंग लगा दी। ये सबके समय, और ये डिपोजिशन में सेक्रेटरी डिफेंस ने कमिटी ऑफ एस्टिमेट को हेड कांग्रेस पार्टी के मनोरंजन भक्त कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था। 66 में सीलिंग लग गई। सीलिंग लगने के बाद आप पूरे दुनिया को बताते हो कि हमारे यहां इतनी ही आर्मी रहेगी, इतनी ही नेवी रहेगी, इतनी ही एयरफोर्स रहेगी। आप सीलिंग लगा दो और आप हमको कहो कि अब इसका रिक्रूटमेंट कैसे होगा। आप यदि फोर्स को बढ़ाना चाहोगे, दूसरा इस सीलिंग के बाद उसी कमिटी की रिपोर्ट 1975 में और 1989 में, दो रिपोर्ट, दो कमिटी इन्होंने और बनाई कि आर्मी को यंग कैसे रखा जाए। और मैं आपको बताऊं, छोटा सा उदाहरण यह है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन भी जब बनाया गया था, उस शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी पूरे यूपीएससी में, राज्य में, सभी जगह रिजर्वेशन दिया गया था। और उसका प्रभाव यह था, सभापति महोदया मैं आपके माध्यम से गौरव गोगोई को बताना चाहता हूं कि इस देश के जो होम सेक्रेटरी हुए वीके दुग्गल, वो भी एसएसबी के ही रिक्रूटमेंट थे, शॉर्ट सर्विस कमीशन से आए और उसके बाद वो आईएएस बने। आज अग्निवीर पर 75 में कमिटी बनी, 89 में कमिटी बनी और इन्होंने मैन पावर के लिए एक्सपर्ट कमिटी बनाने के बाद यह कहा कि आपको 5 साल और 7 साल के लिए, 1975 की बात है, ध्यान रखिएगा सभापति महोदया, 1975 से लेके आज तक 2019-20 तक लगभग 45 साल तक जो रिपोर्ट है वो गड्ढे में रही, खाते में रही, मैन पावर की कमी रही, ना आर्मी में आदमी रहा, ना नेवी में आदमी रहा, ना रिक्रूटमेंट सबको अच्छा हुआ। आज यदि वो रिपोर्ट आर्मी के कहने पर इंप्लीमेंट हो रही है तो आप युवाओं को देश के साथ जोड़ने के लिए काम कर रहे हो कि आप हमारे यहां अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं, जिस तरह से अराजकता हो रही है, जिस तरह से रिजर्वेशन के खिलाफ सारे लड़के रोड पर आ रहे हैं, उस तरह का रोड ला रहे हो। आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो,
ये दूसरा सवाल है जिसमें कि हम बच्चों को एंगल टैक्स लगा के एंगल टैक्स खत्म करके जिसमें बच्चों का कॉरपोरेट टैक्स 18% करके बच्चों को हम रोजगार देना चाहते हैं और आप उसमें अराजकता पैदा करना चाहते हो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने बहुत सुना A1 A2, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता स्पीकर महोदया, हमारे ऊपर आरोप है कि हम दो कॉरपोरेट को मदद करते हैं। आपको बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के DBT स्कीम के पहले भारत में 1952 से भी एक DBT स्कीम था, लाइसेंस परमिट कोटा राज का DBT स्कीम, जूता सिलाई से चंडी पाठ तक इन्हीं लोगों को करना था। कार वो बनाएंगे, अखबार वो चलाएंगे, सीमेंट वो चलाएंगे, स्टील वो चलाएंगे। हमारी जब सरकार आई वो तो ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। और ये जो कॉरपोरेट है, मैं आपको ये बताऊं कि इस टैक्स का ये जो 32-33 लाख करोड़ टैक्स आता है, इस टैक्स में ये जो 500 कंपनी जिसको ये गाली देने की बात करते हैं, क्योंकि भारत में सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास इसके आधार पर जब ये सरकार चलती है, तो आपके लिए बिजनेसमैन, आप रोटी खाने जाओ बहुत बढ़िया है, शादी में जाओ बहुत बढ़िया है, उनसे गिफ्ट लो बहुत बढ़िया है, उनके चुनाव में आपको चुनाव में पैसा दे बहुत बढ़िया है। लेकिन जब गाली देने की बात, ऐसा मैंने तो निकृष्ट विपक्ष ही नहीं देखा कभी सभापति महोदय, कि जो लेते भी हैं खाते भी हैं और गाली भी देते हैं। हमारे लिए तो जैसे आम गरीब इंपॉर्टेंट है, वैसा ही दूसरा अमीर भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें यदि आप देखें तो ये जो दो कंपनियां हैं, ये दो कंपनियां लगभग 3 लाख करोड़ जो है रूल्स किस रूल्स के तहत, रूल नंबर माइक मैम, रूल नंबर 356। मैडम स्पीकर, यू वंस रिमाइंडेड द मेंबर अबाउट स्पीकिंग अबाउट द फाइनेंस बिल। 356 says that the speaker, after having called the attention of the house to conduct of a member who persists in irrelevance or injurious repetition either in one's own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct that the member to discontinue the speech. Honorable chair once reminded the respected member about this. Sir, kindly invoke. रिपीटेशन, मैं एंजल टैक्स की बात कर रहा हूं, मैं कॉरपोरेट टैक्स की बात कर रहा हूं। एंजल टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स को कैसे आप डिरेल कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि जिस AAA कंपनी को आप कह रहे हो, वो 4 लाख करोड़ रुपया इस देश के किट्टी में दे रही है, जिसके कारण ये देश चल रहा है। आप क्या चाहते हो, कंपनी बंद हो जाए? आप क्या चाहते हो, बैंकों ने जो लाखों लाख करोड़ के जो है आपकी तरह जो फोनो बैंकिंग में, वो बैंक बंद हो जाए? आप क्या चाहते हो कि आप चंदा भी खाओ, आप उनके शादी में भी जाओ और उसके बाद गाली देते रहो, क्योंकि वो डिफेंड करने वाले नहीं है? तो आप जो है ये काम करो। इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? कौन ऐसा आदमी है? इनके पार्टी के जो महासचिव, क्या वो शादी में नहीं गई? क्या बात कर रहे हो आप? सचिव कहिए सर, आप कहिए कि शादी में गई, इतना मान लीजिए सर। प्लीज बजट पर कंप्लीट करिए। एक बयान हमने ये फाइनेंस बिल में एक बड़ा अच्छा पार्ट आता है अध्यक्ष महोदया, पीएमएलए का। और इस सदन में जितने लोग बोलते हैं वो इनकम टैक्स के बारे में बोलते हैं, ईडी के बारे में बोलते हैं और सीबीआई के बारे में बोलते हैं। सीबीआई तो खैर अलग संस्था है, लेकिन इनकम टैक्स और ईडी ये दो महत्वपूर्ण है। और इस फाइनेंस बिल में भी ईडी के लिए कई एक चीजें जो है वो बताई गई। अब आप ये बताइए सर महोदया कि 1988 में मैं जब की लिप सर्विस की बात करता हूं तो बड़ा गुस्सा आता है। 1988 में ये सदन के जानने लायक चीजें हैं कि राजीव गांधी साहब ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट
कानून यहां लाया 1988 में, और 88 से वो 2017 पहुंच गया। 30 साल, 30 साल में उसके रूल्स नहीं बन पाए। आप हमसे हिसाब लेते हो कि हमने किसको पकड़ा किसको नहीं पकड़ा, कौन जेल गया, कहां ब्लैक मनी है कहां व्हाइट मनी है, कभी अपने गिरेवा में झेका झाका कि 88 में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, और उसके बाद आपकी सरकार रही 91 से 96 तक, 2004 से लेकर 2014 तक, ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि हम सरकार में नहीं रहे, आप लागू नहीं कर पाए। आप किसको साथ दे रहे थे, किसको साथ दे रहे थे? दूसरा मैं आपको बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2012 में दिसंबर के महीने में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में संशोधन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, और उस तरफ से माननीय चिदंबरम साहब थे, बड़े फेमस वित्त मंत्री, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो मैंने जीवन में देखा ही। मैंने बोलते हुए कहा कि आप जो एक्ट लेके आ रहे हो, एक दिन यदि वाइफ हस्बैंड में भी लड़ाई होगी तो उसमें पीएमएलए लग जाएगा, और ये जितना स्ट्रिंजेंट है, जिस भी आधार पर लगा रहे हो, भगवान न करे कि एक दिन आप ही जेल चले जाओ। जब मैं मेरा सीट नंबर 545 था उस जमाने में, अध्यक्ष सभापति महोदया, जब मैं बात कर अंतिम था, मैं अंतिम सदन का सदस्य 545 नंबर पर था, जब मैं बोलकर खड़ा बंद हुआ तो चिदंबरम साहब खड़े हुए, और चिदंबरम साहब का बड़ा फेमस भाषण है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पढ़ी लिखी पार्टी है, मेरी अपेक्षा यह थी कि पीएमएलए कानून में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने एक विद्वान आदमी को खड़ा करेगी, लेकिन उसने सबसे मूर्ख बुद्धू और दखियानुसी आदमी को, जो है जिसको पीएमएलए पता ही नहीं है, उसको खड़ा कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एफएटीएफ में जो चिदंबरम साहब का 2012 का दिसंबर का स्टेटमेंट है, उसी को कोट करते हुए ये रिपोर्ट आया। जब रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स कोर्ट पर हमारी फाइनेंस की कमेटी, यशवंत सिन्हा चेयरमैन थे, मैं उसका मेंबर था, 5 साल तक हम लोग मेहनत करते रहे कि डायरेक्ट टैक्स कोड को हम लोग बदल देंगे। पीएमएलए में आप स्ट्रिंजेंट कानून लेके आ गए, तो जब लेकर आ गए बिना किसी एक पैसा को खर्च करते हुए, यदि कांग्रेस पार्टी ने आपको 90 करोड़ रुपया दे दिया और आपने जो है यंग इंडिया खरीद लिया, नेशनल हेराल्ड खरीद लिया, 750 करोड़ की संपत्ति बिना किसी पैसे के आपको मिल गई, तो क्या राहुल साहब जो चिदंबरम साहब का कानून है उसमें आप जेल नहीं जाओगे? ये जेल नहीं जाओगे? और मैं तो कोर्ट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर। तो इसीलिए आप जो सीबीआई और इनकम टैक्स की बात करते हो, ये आपकी कारस्तानी है। हमारी सरकार माननीय निर्मला सीतारामन जी के ऊपर केवल वो उसको इंप्लीमेंट करती है, हमने अपने एजेंसी को केवल फ्री छूट दे रखा है, जो भी भ्रष्टाचारी है वो जेल जाएगा, वो किसी कीमत पर नहीं छूटे। माननीय सदस्य कंप्लीट करिए प्लीज। सभापति महोदया, इस देश के हालात बहुत अच्छे, हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की कल्पना में, माननीय प्रधानमंत्री जी यक्ष युधिष्ठिर वार्ता में उस दिन बोलते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि 6 महारथी थे, 6 महारथी नहीं थे, 9 महारथी थे, और 7 महारथी चक्रव्यूह लड़ रहे थे, और 2 महारथी चक्रव्यूह के बाहर जो है 4 लोगों को, पांडवों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भीम थे, सात्विक थे, नकुल थे और सहदेव थे, और उसी में सात टोटल 9 महारथी थे जो कि अभिमन्यु से लड़ रहे थे, और उसमें 7 महारथी ऐसे थे जो चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेरने के लिए बैठे थे, और 2 महारथी ऐसे थे जो कि पांडव की सेना उसमें अंदर नहीं जा पाए। पांडव में 4 लोगों को उन्होंने मौका दिया हुआ था, इसका नाम था भीम, सात्विक, नकुल और सहदेव, और जिसकी रक्षा जो है जयद्रथ कर रहे थे उस दरवाजे की, उसमें नहीं जाए। इसमें एक
महाभारत में दूसरे प्रसंग में क्वेश्चन पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर से, एक क्वेश्चन है कि कह पंडिता और दूसरा है को मूर्खा और तीसरा है कह मत्सर। मैं मूर्ख पर नहीं जाऊंगा, मैं दो ही चीज पर जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग अपने पर ले लें लीडर ऑफ द अपोजिशन पर कि उनको मूर्ख कह दिया, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। पंडित वो है सभापति महोदया, पंडित वो है जो कि विद्वता की बात करता है, वो केवल और केवल डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स जो हमारे महाभारत का है, गीता का है, रामायण का है, महाभारत का है, वही करते रहते हैं, इसलिए उनको सोचने की बात है कि वो पंडित हैं कि नहीं। लेकिन जो मत्सर है, मत्सर के बारे में बड़ी अच्छी बात कही गई है कि जिसको ईर्ष्या हो, द्वेष हो, जलन हो, किसी के आगे बढ़ने पर जो है परेशानी हो, उसको मत्सर कहा जाता है। आज जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है वो यक्ष युधिष्ठिर वार्ता का मत्सर है। भारत इतना ग्रो क्यों कर रहा है, भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी में क्यों जा रहा है, भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी 2027 में क्यों हो जाएगा, और इस कारण से युवाओं को भड़काओ, किसानों को भड़काओ, इसी कारण से जातिगत रिजर्वेशन के आधार पर, जिस रिजर्वेशन के आधार पर आज बांग्लादेश जैसा देश जो है जल रहा है, पाकिस्तान खत्म हो रहा है, श्रीलंका खत्म हो रहा है, लीडर ऑफ द अपोजिशन के नाते जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, और जिम्मेवारी कैसे होगी सभापति महोदय, जिम्मेवारी नहीं होने के पीछे रीजन है, रीजन यह है कि मैं तीन किताब मैं अभी पढ़कर आया, वो तीन किताब बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक किताब अशोक मित्रा ने लिखा प्रैटलर्स टेल, अशोक मित्रा साहब बंगाल के सबसे लॉन्गेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर रहे और इंदिरा जी के वो इकोनॉमिक एडवाइजर। दूसरी किताब नटवर सिंह की है जो कहता है कि वन लाइफ इज नॉट एनफ, और तीसरी किताब संजय बारू की है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये तीन किताब है, और तीनों आदमी संजोग से अशोक मित्रा साहब को छोड़ दीजिए तो दो आदमी तो अभी भी हैं, और किसी को कांग्रेस पार्टी ने जो है आज तक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, कॉन्ट्राडिक्ट। और तीनों किताब क्या कहती है कि अमेरिका तय करता था इस देश का वित्त मंत्री कौन हो। संजय बारू कहते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ये सरकार नहीं चलाते थे, ये सरकार नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की सोनिया गांधी जी चलाती थी। ये मैंने कह रहा, संजय बारू की किताब है, मैं तो केवल किताब को कोट कर रहा हूं। उस तीनों में और मैं कुछ CIA की डी क्लासिफाइड फाइल्स लेकर आया हूं। ये CIA की डी क्लासिफाइड फाइल्स है, ये फाइल ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग सोवियत रूस से बिके हुए थे, वो पैसा लेते थे, पैसा लेकर वो जो है देश की पॉलिसी बनाते थे, देश का कैसे नुकसान हो वही काम करते थे। ये डी क्लासिफाइड फाइल कहती है। ये तीनों किताब को यदि आप देखेंगे, चाहे वो अशोक मित्रा की हो, चाहे संजय बारू की हो और नटवर सिंह की हो, ये कांग्रेस पार्टी इस देश को बदनाम करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, ऐसा सिचुएशन पैदा करना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ पूरा माहौल बने, इस देश के खिलाफ पूरा माहौल बने, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। ये देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे लोग हैं। और मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की कविता से खत्म करता हूं कि उन्होंने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, अस्तित्व संकल्प दोहराता हूं याचना नहीं अब रन होगा, जीवन या कि मरण होगा। इस देश को बनाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम कुर्बानी देंगे। हम वित्त मंत्री द्वारा इस फाइनेंस बिल का समर्थन करते हैं और पूरे सदन से आग्रह करते हैं कि उस बिल को पास करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।